Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आइए भारत पाकिस्तान के पिछले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लें। वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल 1992 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 50 ओवर मैच वेन्यू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भारत 43 रनों से जीता। 1996 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच वेन्यू एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर भारत 39 रनों से जीता। 1999 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वेन्यू द ओल्ड ट्रेफोर्ड मैनचेस्टर भारत ने 47 रनों से जीत दर्ज की। 2003 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वेन्यू सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन भारत 6 विकेटों से जीता। 2011 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल वेन्यू पीसीए मोहाली भारत 29 रनों से जीता। 2015 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वेन्यू द एडिलेड ओवल भारत 76 रनों से जीता। आइए अब नजर डालते हैं वर्ल्ड कप T20 मैचेस पर। 2007 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वेन्यू किंगसलेट डरबन इस बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत बॉल आउट में 3-0 से जीता। 2007 इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत के साथ दूसरी बार भिड़ा वेन्यू न्यू वेंडर स्टेडियम जोहान्सबर्ग भारत 5 रनों से जीता। 2012 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वेन्यू आर प्रेमदासा स्टेडियम चेन्नई भारत ये मैच 8 विकेट से जीता। 2014 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वेन्यू शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर भारत ये मैच 7 विकेटों से जीता। इसी महीने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में अंतिम बार जब भारत पाकिस्तान आपस में भिड़े थे तो भारत के 319 रनों के जवाब में पाकिस्तान की टीम 164 रनों पर ढेर हो गई थी। दिया और इस बार उनका साथ दिया मोहम्मद आमिर ने। श्रीलंका के खिलाफ सनसनीखेज मैच के आखिरी मरहले में आमिर और सरफराज की जोड़ी ने बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी पीके की यादें ताजा कर दी। मैच की तरह फिल्म में भी आमिर ने सरफराज की मदद की थी। आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे सरफराज यूसुफ। सेमीफाइनल के लिए टाकरा था, ग्रीन शर्ट्स की 7 विकेटें निकल चुकी थी। ऐसे में फास्ट बॉलर आमिर अपने कप्तान सरफराज का साथ देने क्रीज पर आए। आमिर और सरफराज की जोड़ी ने तकरीबन 15 ओवर्स में 75 कीमती रन का इजाफा करके टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। फिल्म पीके में भी आमिर ने सरफराज की मदद की और उसकी हीरोइन से मिलवा कर हैप्पी एंडिंग की। तुम्हारा रॉन्ग नंबर था मेरे पास, एक दोस्त से राइट नंबर मिला। ये पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है। इसी तरह मोहम्मद आमिर ने सरफराज को दूसरे एंड पर सहारा देकर मैच की हैप्पी एंडिंग की। पाकिस्तान विन बाय 3 विकेट्स, कर्टेसी सरफराज।